वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में ताऊते तूफान को लेकर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। तूफान को देखते हुए सभी टीमें 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात है। जयपुर की सिविल डिफेंस टीम ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार है। किस तरह से सिविल डिफेंस की टीम ने अपनी तैयारी करी है, उसी को लेकर इस टीम से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने। महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में ताऊते तूफान ने जमकर आतंक मचाया है। जयपुर की सिविल डिफेंस टीम किस तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है, बातचीत कर लेते हैं सिविल डिफेंस के जवानों से। किस तरह से अपनी टीम अलर्ट है, तूफान काफ़ी भयंकर है, अन्य राज्यों में आतंक भी मचाया है, तो राजस्थान में कितने मुस्तैद है आप लोग? राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार 24 घंटे के लिए टीम अलर्ट कर रखी है। उसमें 2 ट्रक हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, जनरेटर हैं, सभी उपकरण मौजूद हैं और पूरी टीम एनी टाइम 24 आदमी यहाँ मौजूद हैं टीम के, जो कभी भी मैसेज जैसे कि दुर्घटना मैसेज मिलता है तुरंत टीम मौके पर जाकर अपनी कार्रवाई रेस्क्यू की कार्रवाई करेगी। जयपुर में बात करें तो पिछले जब बारिश आई थी तो काफ़ी लोगों की, 6-7 लोगों की जान गई थी, निचले इलाके पानी भर जाता। कैसे, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है? चारदीवारी क्षेत्र में ज़्यादा रिस्क है और टीला नंबर जवाहर सर्किल है, वहाँ भी पानी का भराव ज़्यादा होता है। गलता गेट के पास ऐसे भराव क्षेत्र हैं, वहाँ भी थोड़ा डाउन यानी कि नीचे की तरफ सतह की तरफ मकाने बनाए हुए कच्ची बस्ती में निर्माण है, तो वहाँ पानी ज़्यादा भरता है, इसलिए उसी एरिया को थोड़ा सेंसिटिव कर रखा है और उसी के लिए तैयारियां की हुई है। सभी प्रकार के हमारे संसाधन हैं, पेड़ गिरते हैं तो चैनसा है, दीवार गिरती है या कोई पिलर गिरते हैं तो हमारे पास कंक्रीट कटर हैं, मशीनरी है, सभी उपकरण हैं, रस्से हैं, ड्रैगन लाइट हैं, लाइबोई हैं, हेलमेट हैं और हैमर है, चिपिंग हैमर है, गेती हैं, फावड़े हैं, सभी प्रकार के हमारे पास उपकरण हैं जो रेस्क्यू में कार्य किए जाएंगे। भाई साहब आप बताए कि कितने आपके जवान हैं, कितनी ड्यूटी में, वो कितने टाइम में अलर्ट है? देखिए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमारे पास 2 डीके वाली टीम है जो 24 आवर्स के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं, और कभी भी जब तूफान से कभी कोई नुकसान होगा आने वाले टाइम में तो हमारे जवान हैं जो अलर्ट हैं, और हमको 2 ट्रक मिले हुए हैं और हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो किसी भी क्षेत्र में हम पहुँचने में 30 मिनट में सक्षम हैं। ये मशीनों के बारे में समझाए, कौन कौन सी मशीन क्या है, कैसे काम करती है? देखिए सर, ये इसको बोलते हैं हम स्प्रेडर कटर या हाइड्रोलिक कटर। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में फंस जाता है तो उसको चौड़ा करने का काम आता है। दूसरा ये अलग अलग, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें लोग चिपक जाते हैं तो उसको चौड़ा करने के काम में आते हैं, उसको निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक कटर या स्प्रेडर कटर। अगला है हमारा, ये हमारी लाइफ जैकेट है। जब कभी भी कोई बाढ़ बचाव से संबंधित या कोई पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उस व्यक्ति को हम, जो रेस्क्यूअर हमारा, वो पहन करके जाएगा और उस व्यक्ति को लेके आएगा, इसमें काम आती है। अगला हमारे पास ड्रैगन टॉर्च है कुछ। इस ड्रैगन टॉर्च की कैपेसिटी है जो कम से कम 1 किलोमीटर है, एक रात के समय में हम 1 किलोमीटर अंधेरे में देख सकते हैं, और इसका बैकअप आवर है 2 घंटे का, 2 घंटे तक लगातार चल सकती है। उसके बाद में ये हमारे दिख रहे हैं इधर चैनसा, इलेक्ट्रिक चैनसा और पेट्रोल चैनसा है। कभी भी जब तूफान आएगा तो पेड़ पौधे गिरेंगे, रोड अवरुद्ध होगा, मकान वगैरह गिर सकते हैं, तो उसमें हम लकड़ी को काटने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छे से लकड़ी को काटती है। उसके बाद वो हमारे कंक्रीट कटर है, बड़े वाले पेट्रोल वाले पोर्टेबल, उनको हम उठा करके कहीं ले जा सकते हैं। बिजली वाले इधर है, बिजली को तो लाइट चली जाएगी ऐसे समय में तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल वाले का, तो उनसे हम फटाफट काम कर सकते हैं। यानी कि पूरे संसाधन है आपके पास और पूरी टीम है और 24 घंटे अलर्ट है, और कंट्रोल रूम के नंबर बता दीजिए, 100 नंबर पर फोन कर सकता है, और किस तरह से सिविल डिफेंस नंबर? देखिए हमारे कंट्रोल रूम के नंबर है 220-4475, 220-4476, 220-4463 और 1077। 1077 टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी कर सकते हैं, 24x7 चालू है। तो बिल्कुल आपने सुना कि जयपुर की सिविल डिफेंस 24 घंटे अलर्ट है और तूफान को देखते हुए सबके, इनके सभी के अवकाश निरस्त कर दिए गए, सभी को ड्यूटी पे बुला लिया गया है। जयपुर के जो निचले इलाके, भले वो गलता गेट हो, चारदीवारी हो और ऐसे कई इलाके, उनको चिन्हित कर लिया गया है, वहाँ पर विशेष चौकसी, विशेष निगरानी रखी गई है, और इसके अलावा तमाम जो संसाधन इक्विपमेंट है सिविल डिफेंस की टीम, उसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। उम्मीद करते हैं कि तूफान का असर राजधानी जयपुर में, राजस्थान में बिल्कुल कम हो और किसी भी अनहोनी की घटना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो। सहयोगी रवि शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर।
तो वे आपको बता दें कि सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम की इस तैयारी को लेकर एडीएम शंकरलाल जी से भी हमने की खास बातचीत। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। चक्रवात को देखते हुए हमारे यहाँ जो भी संभावनाएं थी उनको देखते हुए हमने हमारे जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हमारी 24 घंटे QRT की जो है वो दो दो टीमों के हिसाब से बिल्कुल तैयारियां हैं। अगर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, पेड़ वगैरह गिरते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास कटर वगैरह जैसे वगैरह पूरी तैयारी हमने कर रखी हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन प्लांट वगैरह हैं जिन पे डीजल सेट वगैरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ से जो है करवा दी गई हैं और डीजल का स्टॉक वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में कर लिया गया है, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है।